तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले। फाइनेंस के कुछ फॉर्मूले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लासेस में। और जैसे कि अब फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले। अब सारे फॉर्मूले को सीखने के लिए इसके पीछे की मैथमेटिक्स आपको जाननी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास सारे स्टूडेंट फाइनेंस बैकग्राउंड से होते नहीं है, और सर मैं भी कुछ फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें समझ सकते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती है, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई लोन लेते हैं, जैसे मैंने 50,000 का मैं लोन लिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 15% या 8% मान लीजिए 8% है, और टाइम आपने 3 साल के लिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करनी है ईएमआई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला है आपके सामने पीएमटी का। पीएमटी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पीएमटी, अब देखिए पीएमटी आपका मंथली है, लेकिन आपके सामने जो डेटा है वो ईयरली है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि रेट को हमने डिवाइड कर दिया 12 से, और हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 12 से, और उसके बाद हमने यहाँ पे पीवी, मतलब कि हमें अभी तो 50,000 मिल चुके हैं ना, इसलिए हमने पीवी यहाँ पे रख दिया 50,000, मतलब कि 1,566 रुपये, अगर 82 पैसे अगर हम जमा करते हैं, तो 3 सालों में 8% इंटरेस्ट के साथ 50,000 का लोन हमारा चुकता हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता यहाँ पे कि एक कैलकुलेशन सही है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो हम मैनुअल कैलकुलेशन में आते हैं। जब फॉर्मूले का इजाद नहीं हुआ था तो लोग मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते थे? चलिए, जैसे कि 50,000 हमने रखे, और मंथली जैसे कि हमारे पास यहाँ हमारा 8% है ना, सॉरी 8% डिवाइड बाई बा क्या हो गया, 8% डिवाइड बाई 12, और हमने एंटर मारा, तो महीने के लास्ट में हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 333 बनेगा, मतलब कि महीने के एंड में हमारा समर शोर होगा, मतलब कि टोटल प्रिंसिपल होगा 5,333, और हम 1,566.82 पैसे हम जमा कर चुके हैं। तो अगले महीने क्या होगा? अगले महीने हमारे इंटरेस्ट, हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल घट जाएगा, ये हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन जो है चलती रहेगी। और हमने 3 साल के लिए 12 36, तो ये पूरी कैलकुलेशन हमारा एक हो क्या रहा है, पूरी कैलकुलेशन हमारा 36 महीने तक चलेगा, 36 महीने तक। तो 36वें महीने देखिए हमारा 1,566.75 है, 82 लिया, तो कुछ पैसे का डिफरेंस होता है। कुछ पैसे का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि ये 8.82 नहीं है, आप देखेंगे इसको अगर हम डेसिमल बढ़ाते हैं तो ये भी है, तो ये डेसिमल छूट गया ना सर, इसलिए कुछ पैसे या कुछ रुपए का फर्क हो जाता है सर। तो ये हमारा मैनुअल कैलकुलेशन है, समझ आया सर? लेकिन ऐसी कैलकुलेशन और कोई करता नहीं। अब नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, वो फ्लैट लेते हैं, तो जैसे कि वो क्या करेंगे कि 50,000 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 12,000, और ए 12,000 आपके इसमें ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 36 से। इससे क्या होता है कि आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में जो पैसे पे करते हैं उसमें भी आपका इंटरेस्ट जो है लास्ट लास्ट तक देना होता है। जैसे देख लीजिए ना पे सर कि यहाँ पे आप जैसे कि कंट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट आप इंटरेस्ट दे रहे हैं किसका, 1,566 रुपए का, लेकिन इस फ्लैट इंटरेस्ट में क्या होता है
कि आप लास्ट वाली भी लास्ट में भी जो पैसा देते हैं वो आपका, मतलब कि आप पैसा महीने महीने दे रहा है लेकिन आपसे पूरा सूद पूरा जो इंटरेस्ट है पूरे 3 साल का वसूल किया जाता है 50,000 पे। तो यही फर्क पड़ता है सर। लेकिन जब वो ब्याज देते हैं, जब किसी को आप कहीं डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो डिपॉजिट इसी पैटर्न पे होता है, लेकिन लोन हमारा इस पैटर्न पे होता है। तो 8% का लोन आपका काफी बड़ा, मतलब 15-16% तक चला जाता है। समझ आया सर? जी सर, तो मोस्टली फाइनेंशियल यही करते हैं। कुछ फाइनेंशियल जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंटल बैंक के साथ वो नहीं करती है, लेकिन मोस्टली प्राइवेट बैंक तो ऐसे ही करती है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे ईएमआई निकालना सीख लिया, उसी तरीके से अब ईएमआई ही हमें निकालनी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं, हम इसको अमाउंट कह सकते हैं कि हमारे पास अमाउंट है, मैं 65,000 रुपये का हमारा अमाउंट है, या मान लीजिए कि 1.5 लाख ही मान लीजिए, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है हमारा, और रेट है हमारा 7% का, और टाइम है हमारा 4 साल। अब मुझे यहाँ पे इस ईएमआई देनी है। ये हमारा इंस्टॉलमेंट जो है, ये हमारा रेकरिंग अकाउंट, मतलब कि 1.5 लाख रुपए चाहिए 7% की रेट से 4 महीने में। तो हमारा रेकरिंग अकाउंट खोल रहे हैं हम, तो कितना महीने हम रुपया जमा करें, अमाउंट बनेगा ताकि वो 4 साल में 7% से 1.5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारा प्रिंसिपल है, मतलब कि ये पैसा हमें मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे पैसा है कब मिलेगा, ये पैसा मुझे बाद में मिलेगा। योगेंद्र जी मेरी आवाज आपको आ रही है सर? हेलो योगेंद्र जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम लगाएंगे अपना पीएमटी का फॉर्मूला। तो पीएमटी में हम रेट को लेते हैं और डिवाइड करते हैं 12 से, क्योंकि ये ईयरली है तो इसको मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम को भी हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा ताकि ये मंथली मंथ में कन्वर्ट हो जाए। अब ऊपर जो हमने लगाया था वहां पे हमने पीवी दे दिया था, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू, बट यहाँ पे हमारा 1.5 लाख प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो पीवी को स्किप करेंगे कॉमा से और एफवी पे, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। इसी ध्यान रखिएगा कि जब आप रेकरिंग अकाउंट रेकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप जो है पीवी को लीजिएगा, एफवी को नहीं लीजिएगा, जब ईएमआई निकालना होगा। तो इसको सेलेक्ट किया एंड एंटर किया, तो आपके सामने रिजल्ट आया कि 2716 रुपये 4 साल तक जमा करें तो 7% की इंटरेस्ट रेट पे 15,000 रुपये आ जाएंगे हमें। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो पीएमटी फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। जी चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो सर, मिट का फॉर्मूले का एग्जांपल दीजिए सर। किसका सर? एक हेलो, हम बात करते से क्लासेस की टॉपिक चल रही है, मिट एमआईडी का। जी ओके ओके। चलिए। तो यहाँ हम आगे की जो हमारी ये हो गई, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है जिसमें हम मान लीजिए कि हम ईएमआई की बात करें, तो ईएमआई हम 2,000 रुपये की जमा करने जा रहे हैं, और टाइम वैल्यू हमारे पास मान लीजिए कि 3 साल का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7% का है, तो कितना रुपए का ये आएगा, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू।
तो उसके लिए यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर्मूला एफ बी, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू। इसमें भी रेट को आप डिवाइड करेंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से, क्योंकि ईयरली में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे PMT को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो पता चलेगा 79,860 रुपीज का रिटर्न आएगा। बट इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो EMI नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू है, कि हम 50,000 की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं न कि रेकरिंग करना चाहते हैं, तो उस पे भी आपका सेम फॉर्मूला PV का ही लगेगा। और हम सेम तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे कि हम रेट को हम यहाँ पे रेट को डिवाइड करेंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से। और यहाँ आपका जहां पे पीवी है, पीएमटी है, इसको स्किप करेंगे और पीवी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करें तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपको कैलकुलेट करने का मोटिव क्या है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। उसी तरीके से ये तो हमारा फ्यूचर वैल्यू हुआ। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बिहाफ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो जैसे कि मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है 1.5 लाख रुपए के, बल्कि मैं कितना रुपए जमा करूं जो हमें 7% की इंटरेस्ट रेट से 8 सालों में मेरे पास 8 सालों में मेरे पास आ जाए। सर मेरे यहाँ पे क्या बोल रहे बताइए। हेलो जी, कोई नहीं, स्टार्ट कीजिए, बताइए सर। तो हमें यहाँ पे ये चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला PV, प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू में हम यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, रेट लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं और हम टाइम को लेते हैं और टाइम को हम नहीं गलत कर दिया रेट डिवाइड बाय 12 होगा और यहाँ टाइम हमारा मल्टीप्लाई बाय 12 होगा और यहाँ पे पीएमटी नहीं पीवी मतलब कि एफबी मतलब फ्यूचर वैल्यू आपके सामने आएगा, ये आपके सामने आएगा। अब कभी कभी हमें टाइम निकालना पड़ता है, जैसे मान लीजिए ना कि हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए 25,000 है और पीवी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 50,000 रुपए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने सालों में बैंक अगर 7% का रेट दे रही है हमारे पास, तो कितने सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 7% के इंटरेस्ट रेट से मेरा पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा NPR, मतलब टाइम को कैलकुलेट करने के लिए NPR का फॉर्मूला होता है। तो रेट डिवाइड बाय 12 और पीएमटी नहीं है हमारे पास, पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू सॉरी एंड एफबी फ्यूचर वैल्यू है। अब यहाँ पे रिजल्ट गलत आया, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फॉर्मूला का रिजल्ट हमेशा निगेटिव में आता है, माइनस में आता है। तो आपको ये प्रिंसिपल या आपके फ्यूचर वैल्यू दोनों में से, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों में से आपको एक माइनस में रखना होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट आया इन द मंथ, इसको हम डिवाइड करेंगे ईयर में, तो ये आपका 9 point something आया है कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो एक कम जाता है, तो इस तरह से टाइम हम निकालते हैं, 8 साल कुछ महीने। अब इस पॉइंट को कन्वर्ट करके महीना में लाना है तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल इसको यहीं पे रखते रहने देते हैं। ऐसे रेट की कैलकुलेशन है, रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सेटलमेंट की। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला, एक नया तरीके का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी क्या है कि मैंने लोन लिया था, जैसे थोड़ा सा पहले बताया कि मैंने 50,000 का लोन लिया 8% पे 3 साल के लिए और हमारे पास ये EMI 1,566 रुपये की हो रही है और मेरे 36 महीने की EMI है और मैंने 24 महीने पैसा जमा किया।
24 महीने बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे लोन कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे यहाँ पे पैसा आप पूरा जो बचता है आप ले लीजिए और हमें एनओसी दीजिए। तो कस्टमर ये नहीं सोचेगा सर कि हमने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24 रुपीज दिया है, 37,000 दे चुका हूँ, 50,000 में 13,000 बचा है ले ले। लेकिन नहीं, एक गलत है। अब यहाँ कैलकुलेटर शीट पे आते हैं तो हर महीने जो आप 1566 रुपए दे रहे हैं उसमें से ये इंटरेस्ट होता है, मतलब कि 24 महीने अगर आपने दिए हुए हैं तो आपने 37,000 रुपए में से आपका 5,600 मतलब कि 5,615 रुपीज जो था वो आपका इंटरेस्ट था। तो बैंकर या जो भी फाइनेंशियल होगा क्या करेगा कि वो 5,600 रुपए तकरीबन, मैं तकरीबन कर रहा हूँ, माइनस करेगा और फिर बोलेगा कि आपकी नहीं बस हो गया। यहीं पे हम एबीएस का फॉर्म लगाते हैं। योगेंद्र जी प्लीज बेप के माफ करें प्लीज, साथ में म्यूट भी कर लें, आपके पीछे से शोर आ रहा है सर जी। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इसको मुझे एबीएस में रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ताकि माइनस को प्लस में कर दे। एबीएस फॉर्मूला है, इसी से जगहों के लिए यूज होता है। तो 32,000 उसका प्रिंसिपल घटेगा, उसके बाद 18,000 समथिंग देना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेट कैसे हो, क्योंकि हर बार ये सीट क्रिएट करना पॉसिबल तो नहीं है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पीपीएमटी और आईपीएमटी। जी हाँ, पीपीएमटी और आईपीएमटी। आईपीएमटी इंटरेस्ट के लिए होता है, पीएमटी प्रिंसिपल के लिए होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाया कि पीएमटी पीपीएमटी रेट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मंथ तो पहला महीना और यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ पे आपका जो पीवी है हम पीवी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया कि 1223। अभी क्या कर रहा है कि ये सिर्फ यहाँ पे देखिए वन है ना, ये एक बार में किसी एक ही महीने को कैलकुलेट करके देगा आपको, याद रखिएगा। मतलब मुझे अगर 24 महीना है तो मुझे इस फॉर्मूले को 24 अलग अलग सेल पे लगा के फिर उनका टोटल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे टीडीएस जॉब हो जाता है, हम चाहते हैं कि सारी कैलकुलेशन एक सेल में होनी चाहिए। मान लीजिए मुझे 5 महीने का ही निकालना है तो कैसे निकाले, तो इसके तरीके हैं, हम इसलिए एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है उसके कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पे 1 से 5 तक नंबर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे आपका सम आ गया 6,250। तो ये सम कैसे वर्क कर रहा है इसको जानने के लिए हमें जाना होगा फॉर्मूला मेनू बार के एबिलिट फॉर्मूला में, ताकि ये स्टेप करेगा। तो एक कर्ली ब्रैकेट में डालने से क्या हुआ, पीएमटी क्या हुआ कि वो 5 बार टूटा और हर महीने की अलग अलग रिजल्ट इसने सम को दिया और सम ने सबको आपस में सम करके फाइनल रिजल्ट आपको दे दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मेरे पास 24 है, लोन तो 10-10 साल के होते हैं तो काफी बड़े हो जाएंगे, तो कैसे हो। तो उस केस में यहाँ पे हम रो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया रो फॉर्मूला कि रो 1 से लेके चले 5 तक और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आता है। अब रो ने क्या किया, अब यहाँ रो का समझिए कि रो क्या कर रहा है, रो वही कर रहा है जो कर्ली ब्रैकेट में हम देते थे वही टूट जा रहा है। देखिए टूट गया 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आपका पीएमटी एक साथ चल जाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे 24 महीने का लगाना है तो यहाँ 5 के जगह पे मैं 24 दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ देखिए 24 का रिजल्ट आपके सामने आ गया। 31,938। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नंबर यहां लिखूं, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं तो 10 का हो, मैं 20 लिखता हूं तो 20 हो। ऐसे मैं बार बार फॉर्मूला में चेंज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मार सकता। तो वही मेथड है कॉनकेटानेट फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, वही कॉनकेटानेट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे
और इसमें हम इस 20 को सिलेक्ट कर लेंगे, बट हम एंटर मारेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉन्कटानेट लगने के बाद ये हो गया हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला, और टेक्स्ट फॉर्मूला हो जाने के कारण क्या हुआ, रेफरेंस नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट लगाएंगे। या सही सही, इनडायरेक्ट के अंदर में डाल देंगे और फिर कंट्रोल सी एंटर। अब इसकी पूरी जो हमारी ये होगी क्लासेज होगी वो एरे के अंदर होगी। मैंने बताया कि एरे की जरूरत कैसे पड़ी यहाँ पे, आपने देखा विदाउट एरे तो ये काम बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना सर। लोन ऑथराइजेशन को समझने के लिए एक और बेनिफिट है कि आप इस पे राइट क्लिक करें अपने सीसी सीट पे और इंसर्ट पे जाएं और यहाँ स्पेशल सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लोन ऑथराइजेशन सीट। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, इसमें लोन कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है। जैसे कि लोन अमाउंट मैं 50,000 यहाँ डालता हूँ, इंटरेस्ट एनुअल 7% डालता हूँ, लोन पीरियड हम डालते हैं 4 साल, लोन स्टार्ट कब से है तो हम नहीं, नंबर पेमेंट मतलब कि मंथली है, जी हाँ मंथली है, और लोन कब से स्टार्ट हुआ है तो मैंने बोला आज से स्टार्ट हुआ, और एंटर मारते ही एक एंटर में सारा लोन कैलकुलेट हुआ कि भाई इसकी शेड्यूल पेमेंट बनेगी 1147 की, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट 48 होगा और टोटल इंटरेस्ट इसका 7400 दिखेगा और कब कब लेना है लोन ये आपके सामने है कि पेमेंट डेट इतना होगा, इस पे 50,000 की बैलेंस है, शेड्यूल पेमेंट 1147 है, इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं इसमें है, टोटल पेमेंट इतना हुआ, प्रिंसिपल इसका इतना है, इंटरेस्ट इतना इतना है, एंडिंग बैलेंस इतना है, और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इसका 290 है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल घटता जाएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इसने इसी तर्क में बनाया हुआ है। अब इसको समझने के लिए आप क्या करें, इसमें रिव्यू में जाएं और इसको अनप्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट होता है, पासवर्ड नहीं होता पर प्रोटेक्ट होता है। तो इसके सारे फॉर्मूले आपको दिखेंगे। ये फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूला सिंपलाइजेशन मेथड को फॉलो किया है, बल्कि हर चीज के लिए उसने डिफाइन नेम लिया हुआ है। यहाँ देखिए उसने अलग अलग फॉर्मूले अलग फॉर्मूले को डिफाइन नेम में डाल के फिर उसको उसने कॉल किया हुआ है सिंपली करने के लिए। यही आपका अगला टॉपिक भी है, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, कि किसी बड़े लेंथी फॉर्मूले को हम कैसे सिंपलाइज करेंगे ताकि इजीली उसको अप्लाई किया जाए। राइट जी सर। ओके, तो अगला कल की क्लास की टॉपिक यही रहेगी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है किसी चीज के बारे में? ये रीजी सर। सर हेलो। हाँ बोलिए सर। कल ऑफसेट में हाइट और विड्थ आपने लगाया था। हाँ, कल इसके ऊपर विशेष क्लास है तो कल आपको समझ में आ जाएगी, तो पेशेंस रखिए। ठीक है सर। ओके, और किसी को प्रॉब्लम है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे एक्चुअली क्या है कि मिड का फॉर्मूला क्लियर कीजिए सर। मिड का फॉर्मूला देखिए, कोई भी अगर मिड देखिए, आपके पास डेटा होता है तो डेटा को सेपरेट करने के लिए हमने डेटा लिखा, इस डेटा को अगर मुझे सेपरेट करना है मतलब कि इसमें से कुछ पार्ट अलग करने हैं तो अलग पार्ट तीन तरीके से अलग होते हैं, पहला लेफ्ट से, दूसरा राइट से और तीसरा मिड से। मतलब कि अगर लेफ्ट पार्ट को आपको लेना है तो सेलेक्ट करें और नंबर ऑफ कैरेक्टर बोले कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें से अलग होना है तो लेफ्ट उतना कैरेक्टर लेफ्ट से अलग कर देता है, इसमें तीन को अलग करना है तो तीन अलग हो गया। ऐसे ही हमारा राइट फॉर्मूला होता है कि इसको राइट से जितना पार्ट बोलेंगे उतना पार्ट वो अलग कर देगा। अब बीज की वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए आपको मिड का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। मिड मिड में हमने टैक्स को सिलेक्ट किया और इसमें बताया जाता है स्टार्ट नंबर कि क्योंकि मिड कहां से स्टार्ट होगा ये तो फॉर्मूले को पता नहीं, लेफ्ट राइट तो पता है कि भाई लेफ्ट लेफ्ट से होता है, राइट राइट से होता है, लेकिन मिड तो कहां से पता नहीं है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका मिड कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है।
तो हमने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5। अब मिड बोलता है कि 5 करेक्टर से मैं कितना करेक्टर स्ट्रैक करूं, तो हमने बोला कि 3 करेक्टर को स्ट्रैक करना है, तो मिड से उसने 3 करेक्टर को स्ट्रैक कर लिया। यही हमारा मिड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें इसमें हमें ऑटोमेशन वगैरह करते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली हमारा मिड डॉट के बाद का मिड पकड़ ले, जैसे सुजीत कुमार सिंह है तो मुझे कुमार अलग करना है तो ऑटोमेटिक स्पेस को पकड़ ले, तो उसके लिए फाइन सर्च ऐसे फॉर्मूले को क्लब करके हम उसकी ऑटोमेशन तैयार करते हैं, ठीक है। या फिर मुझे मान लीजिए कि कोई ऐसा नाम मैं यहाँ पे लिखा हूं, मुझे हर किसी के एक एक लेटर को अलग करना है, तो वो भी हम उसके लिए मिड का ही इस्तेमाल करते हैं कि मिड इसमें जाए और पहले नंबर से एक करेक्टर को अलग कर दे, तो एस को अलग कर देगा। उसी तरीके से हम मिड पे जाएंगे, बोलेंगे भाई दूसरे करेक्टर से एक करेक्टर को अलग कर दो, तो यू अलग कर देगा, और ऐसे ही कंटिन्यू लगाते हुए 6 तक जाएंगे तो हर लेटर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी डिटेल्स में जानने के लिए मेरा यूट्यूब पे टेक्स्ट वीडियोज, टेक्स्ट फॉर्मूला का वीडियोज डाला हुआ है, उसको देखिए आपको और डिटेल में पता चलेगा। ओके सर। ओके, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और हम प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और यही वीडियोज में यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक्स। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।